हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी डेली करंट अफेयर सीरीज में 8 नवंबर 2021 तक के जितने भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले है कि आयुष्मान भारत सीएपीएफ हेल्थ केयर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन। आयुष्मान भारत सीएपीएफ हेल्थ केयर स्कीम कब लॉन्च हुई है? देखिए, अभी रिसेंटली आयुष्मान भारत सीएपीएफ हेल्थ केयर स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसे हमारे यूनियन मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कब किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 नवंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको पता होगा एक स्कीम हमारी चलती है आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना उसके तहत चलती है, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुई थी आयुष्मान भारत स्कीम? ये हुई थी 2018 में। इसी में अब आयुष्मान भारत सीएपीएफ हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च की गई है, जो सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्सेज होती है, जैसे आसाम राइफल्स होती है, ठीक है, सीआरपीएफ होती है और सीआईएसएफ होती है। ये सब जो ऐसी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कहलाती है, इनके जो पर्सनल होते हैं इनके लिए आयुष्मान भारत सीएपीएफ हेल्थ केयर स्कीम को लॉन्च किया गया है। पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होंगे, जो भी इसके तहत इन्होंने हॉस्पिटल्स को स्वीकृति दी होगी, उनमें जाकर के वो अपना कैशलेस और कार्डलेस अपना इलाज करा सकते हैं। ये सुविधा देने के लिए इस आयुष्मान भारत सीएपीएफ हेल्थ केयर स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य हैज बीन अनवील्ड। कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट में आदि शंकराचार्य जी का जो स्टैच्यू है उसको अनवील किया गया है? तो देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 नवंबर को उत्तराखंड आए थे, देवभूमि उत्तराखंड में इनका आगमन था। तो केदारनाथ में उन्होंने दर्शन किए थे और वहां पे इन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि है, इनके स्टैचू को वहां पे अनवील किया था। तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तराखंड में आकर इन्होंने इसको अनवील किया था, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य। ये आदि गुरु शंकराचार्य शंकर जी के उपासक हुआ करते थे, शंकर जी के उपासक हुआ करते थे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश। हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ, उसमें बताऊंगा हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है। इस स्नो लेपर्ड के लिए इंडिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इसको खोला गया था। उत्तराखंड में मुनस्यारी है, जहाँ पे आपको देश का पहला लाइकन पार्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ उत्तराखंड में रामायण पार्क खोला जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है। डोबरा चांडी पुल उत्तराखंड में, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो फॉर्मर मुख्यमंत्री थे हमारे, उनके द्वारा यहाँ पे उसको इनॉग्रेट किया गया था। ऐसी कुछ योजनाएं थी, पिरूल पावर प्रोजेक्ट, जो अपने तरीके की पहली देश की ऐसी योजना, जैसे पिरूल एक तरीके से चीड़ के पेड़ की एक घास होती है, उसकी पत्ती असल में हम कह सकते हैं, उस जब वो सूख जाती है तो जमीन पे गिर जाता है, ब्राउन कलर का वो हो जाता है, तो किसी काम का नहीं रहता, वो वेस्ट हो जाता है। तो उस पिरूल घास से बिजली उत्पादन करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उस टाइम पे ये स्कीम लॉन्च करी थी, पिरूल पावर प्रोजेक्ट योजना, ठीक है। तो ये उत्तराखंड था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस टाइम पे कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल रिलीफ ऑफ 3100 रुपीज ईच फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके लिए 3100 रुपए ईच फाइनेंशियल रिलीफ किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है? ऑप्शन नंबर है दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल रिलीफ 3100 रुपए की दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। इसके नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? अभी कुछ दिन पहले बने थे चरणजीत सिंह चन्नी, इन्हीं के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को छत्तीसगढ़ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा गुरु घासीदास एक वो है, नेशनल पार्क है, ठीक है, गुरु घासीदास। इस गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसका कुछ एरिया है जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए था। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव COVID-19 पिल। पहला देश कौन है जिसने COVID-19 पिल को अप्रूव कर लिया है? तो वो देश कौन सा बना है, ठीक है, वो देश है कौन? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए पे आपको देखेगा यूनाइटेड किंगडम। इसने COVID-19 पिल को अप्रूव कर दिया, यानी कि जो खाने वाली दवाई होती है वो COVID-19 की, उसको इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो इस पिल का नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है।
इसका नाम है मेलनोपिराविर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, MALNO, पायरावीर भी बोल सकते हैं, पिरावीर भी बोल सकते हैं, ये है मेलनोपिराविर। इस COVID-19 पिल को इन्होंने अप्रूव किया है, लेकिन ये जो उसका ब्रांड नेम है, जिस नाम से मार्केट में मिलेगी, इसका नाम है LAGEVRIO, ठीक है, ये इसका नाम है, ब्रांड नेम, ठीक है, ये इस नाम से मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब यूनाइटेड किंगडम के लोगों को, ठीक है, और मेलनोपिराविर इसका ओरिजिनल नेम है, तो यूनाइटेड किंगडम ने इसको अभी भी हाल ही में अप्रूव किया है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, सी पे कनाडा, कनाडा से अभी आपको लेटेस्ट खबर आई पता होनी चाहिए कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन TRUDEAU, ट्रूडो, ठीक है, ये कनाडा के नए PM बने हैं, तो आपको ये चीज़ भी पता रहनी चाहिए थी। अर्जेंटीना से आपको क्या याद रहना चाहिए, अर्जेंटीना देखिए अभी फीफा मैन जो फुटबॉल टीम है उसकी रैंकिंग जारी की गई थी फीफा के द्वारा, तो अर्जेंटीना से पहले नंबर पे आया था, ठीक है, अर्जेंटीना जो है फर्स्ट नंबर पे आई थी मैन जो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग है उस पे, सेकंड नंबर पे ब्राजील आया था, ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है। यूएसए अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। कनाडा के PM बने जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अपना मंत्रालय या अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिसफल किया या सफल किया उसको, तो उसके बाद उसमें जो वहाँ की डिफेंस मिनिस्टर है वो भी एक भारतीय मूल की है, आपको नाम बताना है कि वो कौन है कमेंट सेक्शन में, पिछले वीडियो में हमने इसको कवर किया था। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व, देखिए आपको बताओ एक नेचुरल कैलेमिटी है जिसको हम बोलते हैं सुनामी, ठीक है, सुनामी के बारे में बताता हूँ, सुनामी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, TSUNAMI, सुनामी, सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है, ये दो वर्ड सू और प्लस नामी, इन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। सू मतलब क्या होता है, हार्बर, HARBOUR, हार्बर, यानी कि जो देखो ना अपने डॉक यार्ड में हार्बर होता है वहां पे जहाँ पे जहाज वगैरह होते हैं समुद्र किनारे, तो हार्बर, और नामी मतलब क्या होता है जापानी भाषा में, नामी मतलब होता है वेव्स, तो हार्बर वेव्स हम एक तरीके से बोल सकते हैं सुनामी, ठीक है, सुनामी का मतलब हार्बर वेव होता है, ये जापानी वर्ड है। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सुनामी से होने वाले डिस्ट्रक्शन को ध्यान में रखने के लिए और इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है 5 नवंबर को, अभी हाल ही में हुआ, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 5 नवंबर, ठीक है। तो इसकी एक थीम भी थी जो अभी बनाया गया था इस साल, इसकी थीम क्या थी, वर्ल्ड सुनामी डे की थीम क्या थी, इसकी थीम है, आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ, इनहांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रेज सुनामी अवेयरनेस, मैं फिर से बोल देता हूँ, इनहांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रेज सुनामी अवेयरनेस, ठीक है, आप एक दो बार इसको और सुन लेना रिपीट में, तो आपको ये याद करने के लिए और लिखने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे डेज पूछे जाते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए। रिसेंटली डेमोन गैलगट हैज वॉन द बुकर प्राइज 2021, विच कंट्री इज ही फ्रॉम, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, इसको आप जरूर से आप याद जरूर कर लेना, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डायमन गलगट है, इनको बुकर प्राइज 2021 का दिया गया है, तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री से है, सूडान, तंजानिया, साउथ अफ्रीका या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के है डायमन गलगट, इनको इनकी जो नोवेल है उसका नाम है, तो नोवेल का नाम भी पूछा जा सकता है, उसका नाम है द प्रॉमिस, द प्रॉमिस इनकी नोवेल है, इस नोवेल के लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया है 2021 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछ लिया जाएगा जैसे इस पे लिखा हुआ है, तो आपको जरूर इसको देख लेना है, ठीक है, इसमें से ये पूछ सकता है कि इनकी कौन सी नोबेल के लिए मिला है या कौन सी कंट्री से ये है, या फिर इनका नाम भी पूछ लिया जा सकता है, तो ये तीनों चीजें आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, इसको जरूर देख लेना, इस कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी इनको नॉमिनेट, इनके दो नोबेल के लिए इनको नॉमिनेट किया जा चुका था, लेकिन उसके लिए इनको नहीं मिला था बुकर प्राइज, इनकी ये तीसरी बार नॉमिनेट हुए थे अभी अपनी दो द प्रॉमिस के लिए, और इनको इस बार बुकर प्राइज दे दिया गया है, और अपनी कंट्री के तीसरे व्यक्ति हैं जिनको बुकर प्राइज मिला है, तो अगर एक तीसरे व्यक्ति है तो पहले दो व्यक्ति कौन है, ये क्वेश्चन भी रेज होता है। तो देखिए तीसरी नोवेल इसकी नॉमिनेट हुई है इनकी है, और तीसरे व्यक्ति भी हैं अपने देश के, ठीक है, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो पहले दो व्यक्ति कौन थे साउथ अफ्रीका के जिनको बुकर प्राइज मिल चुका है, वो है आपके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NADINE, नडाइन या नेडिन, अब जो भी बोले इसको, ठीक है, और नेडिन गॉर्डिमर, ठीक है, इनका नाम है पूरा नेडिन गॉर्डिमर, ये है पहले व्यक्ति साउथ अफ्रीका के जिनको
बुकर प्राइज मिला था। और दूसरे आपके जेएम कॉट जी, इनका नाम शायद आपने कहीं सुना होगा, जेएम कॉट जी, ये दूसरे व्यक्ति हैं। और तीसरे कौन हो चुके हैं, डैमन गलगेट। ठीक है, ये तीन व्यक्ति साउथ अफ्रीका के हैं जिनको बुकर प्राइज मिल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इस पर बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जरूर कहीं ना कहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन बॉक्सर आकाश कुमार हैज बिकम 20 नंबर प्लेयर टू विन ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश कुमार जो इंडिया के हैं, कौन से नंबर के प्लेयर बन चुके हैं इंडिया के जिनको ब्रॉन्ज मेडल इसमें मिला है। ठीक, कौन से नंबर के प्लेयर हैं इंडिया के? देखिए, अब तक इंडिया के टोटल 6 लोग हैं जिनको यहाँ पे मेडल मिल चुका है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो आकाश कुमार 7वें नंबर के प्लेयर हैं बॉक्सिंग के जिन्हें अभी कोई सा वहाँ पे मेडल मिला है, और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब ये हैं 7वें नंबर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7, इनसे पहले 6 रह चुके हैं जिनको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल मिल चुका था, ये 7वें नंबर के हैं। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी कहाँ पे चल रही थी? बेलग्रेड में चल रही थी, आपको ये भी पता रहना चाहिए। कहाँ चल रही थी? बेलग्रेड, BELGRAD, बेलग्रेड में ये चल रही थी। अब ये 7वें नंबर के हैं, तो इससे पहले 6 नंबर 6 और रहे होंगे, तो उन 6 के 6 नाम को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले जो थे वो थे अमित पंघाल, इनका नाम आपने सुना होगा। इनको 2019 से मिला था, इनको सिल्वर मेडल मिला था 2019 में। ठीक है, ये पहले थे। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके मनीष कौशिक, इनका नाम भी आपने सुना होगा, मनीष कौशिक। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और ब्रॉन्ज मेडल कब मिला था इनको? 2019 में ही इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इनसे पहले और किस किस को मिल चुका था? देखिए, और मिला था आपको गौरव, ठीक, गौरव नाम था इनका। इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल 2017 में। उसके बाद आपके आए थे एक थापा, थे क्या नाम था, हाँ शिवा थापा, एक थे शिवा थापा, इनको भी दिया गया था ब्रॉन्ज मेडल 2015 मिला था। और एक थे उनका नाम था विकास, एक थे विकास, विकास को मिला था, उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था 2011 में मिला था। और एक आपके थे, उनका नाम क्या था, इनका नाम था लास्ट, हाँ विजेंदर सिंह, विजेंदर सिंह को भी मिला था, 6 नंबर गए थे। ठीक है, 6 प्लेयर हैं जिनको पहले मिल चुका है, इनको भी ब्रॉन्ज मिला था 2009 में। सबसे पहले किसको मिला था? विजेंदर सिंह को, उसके बाद विकास को, फिर शिवा थापा, फिर गौरव, उसके बाद मनीष कौशिक, और उसका अमित पंघाल। अब मिला है किसको? आकाश कुमार को, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, अमित पंघाल के अलावा सभी को क्या मिला है अभी तक? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद निजामी गंजवी अवार्ड। अभी हाल ही में किसको निजामी गंजवी अवार्ड से नवाजा गया है, या किन्हें ये सम्मान दिया गया है? देखिए, निजामी गंजवी एक एक ऑथर हुआ करते थे, ये शायद मैं अगर सही हूँ तो ये अजरबैजान के हुआ करते थे, अजरबैजान के, एक कंट्री है अजरबैजान, आप इसे गूगल में देख लेना, वैसे मुझे लगता है कि अजरबैजान के ही थे ये। ठीक है, तो ये ऑथर हुआ करते थे, तो ये अवार्ड दिया जाता है। ये अभी दिया गया है किसको? तो ये दिया गया है टेड्रोस अधानोम को। टेड्रोस अधानोम कौन है? इनका नाम आपने काफी हाल फिलहाल में सुना होगा, टेड्रोस अधानोम है WHO के डायरेक्टर, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर है टेड्रोस अधानोम, इनको दिया गया है। लेकिन ये केवल इन्हीं को नहीं, इनके साथ एक व्यक्ति को और दिया गया, और वो कौन है जिनके जिनके साथ साथ इनको दिया गया था? वो है टाटियाना, TATIANA, टाटियाना वेलोवाया। ठीक है, वेलोवाया, टाटियाना VALO, ठीक है, VALOVAYA, ठीक है, वेलोवाया, टाटियाना वेलोवाया, इनको भी दिया गया। ये कौन है? ये जो यूएन का जेनेवा ऑफिस है उसमें ये डायरेक्टर जनरल है, टेटियाना वेलोवाया। इन दोनों को एक साथ मिलकर के क्या दिया गया? निजामी गंजवी अवार्ड दिया गया, टेड्रोस अधानोम और टेटियाना वेलोवाया को। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है IMF की हेड। ठीक है, IMF की हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब स्थापना हुई थी? 1945 में, और वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है। IMF के साथ साथ एक और संगठन है जो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर है वर्ल्ड वॉशिंगटन DC में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स मीटिंग के बाद इन दोनों की स्थापना की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन पे मार्कोस प्रेडोट्रॉय, जो पिछले ही वीडियो में इनका जिक्र किया था। आपको ये खुद सोचना है और माइंड में लेके आना है कि मार्कोस प्रेडोट्रॉय जो कौन है। ठीक है, आपको ये सोचना है। अगला क्वेश्चन है, ड्वेन ब्रावो हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही वॉज फ्रॉम विच टीम।
ड्वेन ब्रावो ने हाल ही में रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये कौन सी कंट्री से थे या है, कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे ड्वेन ब्रावो? तो ये थे वेस्ट इंडीज के, ठीक है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे ड्वेन ब्रावो है, मतलब अब इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है, तो ये इसका आंसर वेस्ट इंडीज हो जाएगा। जिम्बाब्वे, यहाँ की भी एक प्लेयर ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा करी थी क्रिकेट से, वो कौन है, ब्रेंडन टेलर है, ब्रेंडन टेलर ये जिम्बाब्वे के हैं। साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा करी थी, वो है डेल स्टेन, डेल स्टेन, ठीक है, इन दोनों ने अभी हाल ही में, इन तीन लोगों ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इनके अलावा लचित मलिंगा जो श्रीलंका के, उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, श्रीलंका के हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सुब्रता मुखर्जी पास्ड अवे, सी वॉज मिनिस्टर फ्रॉम विच स्टेट? सुब्रता मुखर्जी की अभी हाल ही में डेथ हुई है, ये कौन से स्टेट से मंत्री थी? देखिए सुब्रता मुखर्जी, आपको नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा कि मुखर्जी और सुब्रता, तो ये वेस्ट बंगाल के ही हैं, यहाँ के मिनिस्टर थे, ठीक है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के ये मिनिस्टर थे, ये भी हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है, तमिलनाडु की चेन्नई, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें, आपको सारी कंट्री सॉरी सारे स्टेट, एटलीस्ट इंडिया के सारे स्टेट की कैपिटल्स तो मालूम होनी ही चाहिए, स्टेट प्लस यूटीज की, ठीक है। तो ये है आज का, ये आज का वीडियो था, जिससे मैंने पिछले 3-4 दिनों से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लिया था, ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हम कल फिर मिलेंगे, आप तब तक बने रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।